न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की इसी कविता के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चल रहा था मैथ का महासंग्राम और हम लोग शुरू किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसमें एक एपिसोड हो चुका है, तो आइए आज दूसरे एपिसोड का फिर से धमाकेदार आगाज करें। तो हम रेशियो का आपको कुछ थ्योरी पढ़ाए थे, उसका कुछ क्वेश्चन कराए थे, आगे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। उसके बाद जब रेशियो का क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर समानुपात आपको पढ़ाएंगे, प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे और प्रोपोर्शन का फिर क्वेश्चन करा देंगे। तो आइए बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 11, तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कहता है ए और बी के मूल्यों में अनुपात 3:4 था, इसके मूल्य में 20% और 30% की बढ़ोतरी करने पर मूल्यों का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए ए और बी में 3:4 का अनुपात है, एक को 20% बढ़ाया मतलब 120% हो गया, दूसरे को 30% बढ़ाया मतलब 130% हो गया, तो अब नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहला 3 था, इसको 120% बढ़ा लीजिए, 20% बढ़ाइए तो हो जाएगा 120%, और दूसरा जो 4 है इसको बढ़ाया है 30%, तो ये हो जाएगा 130%, यानी 130/100। अब यहां से देखिए ये कट जाएगा, ये 10 कैंसिल हो गया, 4 से इसको भी कटा सकते हैं, 4 × 12, तो ये आपका आ जाएगा 9:1, और नीचे में आपका बचा हुआ है 13, यही आपका आंसर हो जाएगा 9:13। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको कहता है किसी संख्या में 16 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल दूसरे संख्या का 80% होता है, तो पहली दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। तो पहली संख्या में 16 से गुना किया गया और यही गुणनफल दूसरी संख्या का 80% है, तो 80% को 4/5 भी लिख सकते हैं। अब इससे इसको कैंसिल करा दीजिए 4 बार में, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा x/y, y इधर आ गया, 4 नीचे आएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं 1, और ये 4 × 5 आपका 20, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1:20, यानी x और y में 1:20 का अनुपात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का योगफल अपने अंतर का 3 गुना है, तो कह रहा है कि दो संख्या है इसका जो योगफल है अपने अंतर का 3 गुना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच क्या अनुपात है, यही क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो 3x हो जाएगा, 3x को इधर बुला लीजिए तो -2x, और -3y, y इधर जाके उसमें फिर ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -4y। यहां से ये आपको कट गया, ये 2×2=4, तो अब जो है y को इधर ले आइए, तो x/y बराबर लिख सकते हैं 2/1, यानी हो जाएगा 2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये रेशियो का बहुत बेसिक सारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको GD वगैरह के एग्जाम में या LDC MDS ये सब के एग्जाम में आपको मिल जाएगा, या थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ मिलेगा। अगला जो है क्वेश्चन आपको 15 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, ये दो संख्याओं का औसत अपने अंतर का 4 गुना है, तो छोटी और बड़ी में अनुपात पूछ रहा है, बड़ी छोटी में नहीं। देखिए यही एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती होता है, या बड़ी छोटी का रेशियो बना के चलाएंगे, लेकिन पूछ दिया है छोटी बड़ी का, क्वेश्चन पर भी आप ध्यान रखें।
ठीक है। तो दो संख्याओं का औसत, दो संख्या x y मान लीजिए, इसका जो औसत है ये कितना के बराबर है, अपने अंतर का चार गुना है, अपने अंतर का चार गुना है। तो इसमें से बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है। तो यहां से ये देखिए क्या हो जाएगा आपको, चार दूनी हो जाएगा आठ, ठीक है। तो आठ गुना एक्स आठ एक्स, आठ एक्स को इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस सेवन एक्स। ये दो चौक आठ हुआ था, माइनस आठ वाई, वाई इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस नाइन वाई। तो यहां से माइनस माइनस आप कैंसिल करा लीजिए, क्योंकि आपको पूछा है कि छोटी और बड़ी का अनुपात क्या है, ठीक है। तो नाइन को ही इधर ले आइए, सेवन बाई नाइन, और ये आपका हो जाएगा y बटे x। तो इस तरह से y अनुपात x बराबर आपका कितना हो गया, सात अनुपात नौ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सात अनुपात नौ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मिटाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई और बटे x माइनस वाई, और यही बराबर में है 11 बटे 3। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर और बटे में है नीचे में 4x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि x y का मान निकाल के यहां पर पुट कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा। दूसरा चीज कि आपको ये आप इसको k मान के भी बना सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 11 के, x माइनस वाई बराबर 3 के, ठीक है। तो दोनों ही चीज पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई को हम लोग यहाँ पर 11 लेके चलेंगे और x माइनस वाई को 3 लेके चलेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, x प्लस वाई को 11 लेके चलेंगे और x माइनस वाई को 3 लेके चलेंगे। तो जब आपको x प्लस वाई दिया रहे, x माइनस वाई दिया रहे और x निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं, और वाई निकालना है तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देते हैं। मतलब यहाँ पर आपको x बराबर हो जाएगा 11 3 14 और 14 बटे 2 बराबर 7। फिर y बराबर ये दोनों को घटा दीजिए, 11 में 3 गया 8, 8 बटे 2 बराबर 4। अब ये जो मान निकला इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 49, 49 दूनी 98 प्लस इसका मान रखिए तो y का 48 और नीचे में देखिए 49 और 49 गुना 4 कीजिएगा तो 196 और माइनस 48, ठीक है। तो इसको ऐड कर दीजिए, 8 8 16, 9 4 13 1 14 और नीचे में हो जाएगा 16 में 60 गया 8, ये 18 में 4 गया 14। तो ये आपका हो जाएगा 73 और ये आपका 74। तो ये ही बन के तैयार हो गया 74 और अनुपात 73 अनुपात 74। इसमें आप चाहें तो x प्लस वाई को 11 के मान लीजिए, ठीक है। मेथड से जब बनाते हैं तो चूंकि वो तो रेशियो दिया हुआ है, ये जो 11 है ये x प्लस वाई का ओरिजिनल मान नहीं है, ठीक है। वो रेशियो के रूप में दिया हुआ है कि x प्लस वाई जब 11 यूनिट है तो x माइनस वाई 3 यूनिट है। तो इसको आप x प्लस वाई बराबर 11 के कर सकते हैं और x माइनस वाई बराबर 3 के कर सकते हैं। उसके बाद x का वैल्यू निकालिए, फिर y का निकालिए और जो आएगा यहाँ पर रख दीजिए, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको इसी टेक्निक से बनाते हैं। तो इसमें जो आपको नोट करने वाला बात है क्या है, तो पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि कभी भी आपको दे दे ऐसा कि x प्लस वाई बराबर सी और x माइनस वाई बराबर डी और x का वैल्यू निकालना है तो जल्दीबाजी में बनाने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी बड़ा वाला निकाल रहे हैं x तो जोड़ के दूसरा भाग दे देंगे,
छोटा वाला जब वाई निकालेंगे तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दे देंगे, तो इस तरह से काम कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। कहता है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक है, कोई स्कूल है वहां लड़कियों की संख्या का 10% मतलब 1/10 ये जी फॉर गर्ल लड़की, लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो आपसे पूछा है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, मतलब बी बटा जी क्या होगा। पहले थी 10 × 20 काट दीजिए, ठीक है। अब चूंकि आपको लड़का और लड़की का अनुपात पूछा है तो जी को ही उधर ले चलिए, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/1 बराबर इधर हो जाएगा b/g। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 2:1 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। इसी में अगर आपको पूछता कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है तो 1:2 हो जाता, तो ऑप्शन में आपको दोनों दिया रहता है, 2:1 भी दिया रहता है और 1:2 भी दिया रहता है, ताकि आप जल्दीबाजी में गलती करें, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका a+b अनुपात b+c और इस तरह से दिया हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि a+b और फिर आपको अनुपात है b+c और फिर अनुपात है c+a, इसी का रेशियो आपको दिया हुआ है कि 6:7:8, 6:7:8। इसके बाद आपसे पूछा कि यदि a+b+c बराबर 14, ये आपको गिवन है, यदि इतना तो आपसे पूछा है कि तो c=what, यही आपका क्वेश्चन है, तो c=what। तो यहां पर देखिए अगर तीनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो a+b+c नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा 2a+2b+2c, ठीक है, आराम से जोड़ लीजिए इसको, a और a 2a, b और b 2b और c और c 2c, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो वो आ जाएगा आपको 2a+2b+2c, दो कॉमन कीजिएगा तब वो होगा a+b+c, ठीक है। तो इधर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2 × a+b+c, आ इधर जब जोड़ते हैं तो 6 × 7 = 13 और 8 = 21, ठीक है, 2 × a+b+c 21 के बराबर है, ठीक है, कितना के बराबर है, 21 के बराबर है, तो a+b+c 21/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर a+b+c का ओरिजिनल जोड़ 14 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 21/2 पर कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 21/2 पर कितना हो गया, 14। तो आपको c=what पूछा है, ठीक है। तो जब भी जो इस तरह के क्वेश्चन में पूछता उसको हम बचा लेते हैं, बचाएंगे कैसे, तो जहां जहां सी रहेगा उसको जोड़ेंगे, जहां सी नहीं रहेगा उसको घटाएंगे। तो सी वाला ये है और ये है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो सी जोड़ सी 2c हो जाएगा और ए जोड़ बी, इसमें घटा दीजिए तो घटाइएगा तो -a - b, तो ये वाला जो ए और बी है वो कट जाएगा तो बचेगा 2c, है ना। तो उसी तरह से सेम प्रक्रिया इधर भी करेंगे, आप इसको इसको जोड़ रहे हैं तो इधर भी 8 × 7 कर दीजिए 15, अब 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा, लेकिन वो 9 यूनिट जो है वो सीधे सी के बराबर नहीं हो रहा, वो 2c पर 9 यूनिट है, तो सी पर हो जाएगा 9/2 यूनिट, तो 21/2 पर आपका 14 है, तो 1 पर आपका 2 × 14 / 21, अब पूछा सी पर, है ना, तो सी आपका कितना आया था 9/2, तो 9/2 पर कितना हो जाएगा 2 × 14/21 / 9/2,
तो यहां से इसको कैंसिल करा दीजिए, तो ये आपका 2 × 14 और 7 × 21 और 3 × 9 और 3 × 6, तो सी का मान आपका जो है कितना हो जाएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का ओरिजिनल जोड़ जो है 14 है, लेकिन जब हम अनुपात को जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 2 × a + b + c। तो इसी कारण से जब a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो इधर वाला जो जोड़ है उसमें 2 से भाग दे देते हैं, 6 × 7 = 13 और 8 = 21 और 2 इधर आ गया 21/2। यानी वहां पर बता रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 21/2 के बराबर है और ओरिजिनल में जो है 14 के बराबर है, दिस इंप्लाइड 21/2 पर 14, तो 1 पर हो जाएगा 2 × 14/21, तो C का मान जो है आपका 9/2 यूनिट है। ठीक है, ये 9/2 कहां से आया, तो इसको और इसको जोड़ दिए, जहां जहां C था उसको जोड़ दिए और जहां C नहीं था उसको घटा दिए, तो 8 + 7 = 15 और 15 में से 6 गया तो 9, लेकिन चूंकि C जोड़ C 2C हो रहा था तो 9/2 ले लिए तो 6 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इसको समझाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका बेहद आसान है, इसमें कंपाउंड रेशियो पूछा है, मिश्रित अनुपात। तो एक आपको प्रॉपर्टी बताए थे मिश्रित अनुपात का, कि जब भी मिश्रित अनुपात पूछे सबको गुना कर देना है। तो इसमें आपको पूछा है कि 3:5 और इसके बाद है 7:4 और इसके बाद फिर आपका दिया हुआ है 2:3, इसका कह रहा है मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो ये आपका 3/5 है, ये आपका 7/4 है और ये आपका 2/3 है। तो इसको गुना कर लीजिए, जो कटता है कटा दीजिए, 2×4 अब कोई नहीं कटेगा, तो ये जाएगा 7 × 21 और नीचे में 30। अच्छा ये भी कट रहा है 3×3 तो काट दीजिए, तो अब बच गया ये 7:10, नीचे में 10, तो यही आपका 19 का आंसर हो जाएगा 7:10। आइए क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। 20 में जो है आपको इस तरह से दिया हुआ है कि भिन्न वाले अनुपात, ठीक है, 3/4 है, फिर आपको दिया हुआ है 3/4, 5/8 और 1/3। तो कह रहा है कि ये भिन्न में है, इसको आप पूर्ण संख्या में बदल दीजिए। ये जो अनुपात दिया हुआ है ये फ्रैक्शन के रूप में है, आप इसको होल नंबर के रूप में बदल दीजिए। तो देखिए, जब भी होल नंबर के रूप में इसको बदलना हो तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, मतलब हर का लघुत्तम ले लें, तो 4, 8, 3 का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 = 24 हो जाएगा। अभी जो एलसीएम आता है इसी से सब अनुपात में गुना कर दीजिए, यानी ये भी × 24, ये भी × 24 और ये भी × 24, तो अभी 4×6 = 24, 6×3 = 18, यहाँ देखिए 8×3 = 24, 5×3 = 15 और ये कितना हो जाएगा 3×8 = 24। ठीक है, तो ये हो गया 18, 15, 8। अभी भी अगर कोई एक ही संख्या से तीनों कट जाता तो इसको कटा देते, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, 3 लीजिएगा तो 8 नहीं कटेगा, 2 लीजिएगा तो 15 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18, 15, 8, यही आपका आंसर हो गया। तो यही प्रोसेस है कि हम भिन्न वाले अनुपात को पूर्ण संख्या के अनुपात में बदलते हैं। तो इसको मिटाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और रेशियो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पहला वाला पार्ट भी जरूर देखें, उसमें थियोरिटिकल रूप में समझाए हैं कि रेशियो आखिर क्या होता है, इसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा है व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया 3, 5, 6, कह रहा है इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपात जब निकालना होता है तो इसको निकालने का 2 तरीका है। ठीक है,
पहला तरीका तो यही हो गया कि अगर यहाँ तीन है तो तीन को छोड़ दीजिए, पांच छह को गुना कर लीजिए, तीस। यहाँ पांच है तो पांच को छोड़ दीजिए, छह तीन को गुना कर लीजिए, अठारह। यहाँ छह को छोड़ दीजिए, पांच तीन को गुना कर लीजिए, पंद्रह। तो अब ये आपका जो है तीन से कट जाएगा, तीन दहे तीस, तीन छह अठारह, तीन पचे पंद्रह। तो ये आपका बन के तैयार हो गया कि दस छह पांच, यही आपका आंसर हो जाएगा कि दस अनुपात छह अनुपात पांच। दूसरा तरीका इसी का मेथड टू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल पूछा है तो यही उलट दीजिए, तो एक बटे तीन, एक बटे पांच और एक बटे छह हो गया। अभी भिन्न के रूप में आ गया। तो पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि हम भिन्न को कैसे पूर्णांक में बदलते हैं। तो ये आपका तीन है, ये पांच है और ये आपका छह है। तो तीन पांच छह का लघुत्तम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पांच दिया पंद्रह, इसमें दो है, तीस हो जाएगा। तो तीन पांच छह का लघुत्तम तीस हो गया। अब तीस से सब में गुना कर लीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो अब देखिए फिर हो जाएगा दस और ये पांच छह तीस, छह और ये पांच, फिर देखिए उतना ही आ गया, दस छह पांच। तो ये दोनों तरीका है जिसके मदद से आप व्युत्क्रमानुपात निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 व्युत्क्रमानुपात का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ है कि तीन बटा चार है, तीन बटा चार और दो बटा पांच, दो बटा पांच के बाद जो है आपको दिया हुआ है चार बटे सात। तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या है, ठीक है। तो इसमें भी आप चाहे तो ये वाला तरीका कर सकते हैं कि इसको छोड़ देंगे, ये दोनों गुना कर लेंगे, लेकिन फिर भिन्न के रूप में ही आएगा और फिर उसको जो है आपको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में पूर्णांक में ही दिया हुआ है। तो उतना करने से अच्छा है कि चूंकि रेसिप्रोकल पूछा है तो यहीं पर इसको व्युत्क्रम बना देते हैं। तो तीन बटा चार है तो ये हो जाएगा चार बटे तीन, ये हो जाएगा पांच बटे दो और ये हो जाएगा सात बटे चार। अब देखिए तीन है, दो है, चार है, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तीन दो चार का, बारह हो जाएगा। सब में गुना कर दीजिए, इसमें भी बारह से, इसमें भी, इसमें भी बारह से। तो ये तीन छक बारह, चार छक सोलह, दो छक बारह, अच्छे पचे तीस, आई चार दिया बारह, तीन सते इक्कीस। तो ये हो गया सोलह अनुपात तीस अनुपात इक्कीस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, 23 में आपको क्या किया है कि 23 में दिया है कि 1 बटे 2a बराबर 1 बटे 3b और बराबर 1 बटे 5c, ये दिया हुआ है। तो इसमें पूछा कि a अनुपात b आते हैं, यहां मिलाते हैं तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि सबको इधर भेज देते हैं, जैसे ये वन बटा टू है तो उधर जाकर हो जाएगा टू बटे वन, है ना। मन में ही मान लीजिए कि उधर भेज रहे हैं, ये वन बटे थ्री भी है तो ये हो जाएगा थ्री बटे वन, वन बटे फाइव सी है तो ये हो जाएगा फाइव बटे वन, यानी सीधे इसको लिख देते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर टू उधर चल गया तो टू इस टू थ्री इस टू फाइव। कहिएगा कि और कोई तरीका है तो इसको आप मेथड से ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसी का बताते हैं आपको कि अगर आपको दिया हुआ है हाफ ए प्लस सॉरी बराबर वन बटा थ्री बी और बराबर में है वन बटे फाइव सी, तो इसको आप के बराबर मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से आपको ए बराबर हो जाएगा टू के, जब ए बटे टू बराबर के कीजिएगा तो ए बराबर टू के, फिर आपका b बराबर जो है थ्री के और c बराबर जो है फाइव के आ जाएगा। तो बस बन गया। अब जब इसको कीजिएगा a इज टू b इज टू c तो यही टू के और थ्री के और ये आपका फाइव के। अब जो है k सब जगह है तो k जो है कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से, तो ये आपका बच जाएगा टू इज टू थ्री इज टू फाइव। तो ये मेथड हो गया। तो शॉर्ट में बनाने के लिए सीधे इसको उधर भेज देते हैं तो ये आपका टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, इस तरह से बना लेते हैं।
उम्मीद है कि दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपको क्या दिया है कि इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें आंश में 1 था, इसमें आंश में 2 लिखा हुआ है, 2/3a बराबर 5/4b, ठीक है, और इसके बाद फिर आपको दिया है कि 5/6c। तो इसमें भी आपको पूछ रहा है कि a:b:c का मान क्या होगा, तो अब आप समझ चुके हैं इसका कंसेप्ट भी और डायरेक्ट बनाना भी सीख चुके हैं। 3 को उधर भेज दीजिए, 3 तो ऊपर नीचे आ जाएगा, 3/2 ये आपका हो जाएगा 4/5 और ये आपका हो जाएगा 6/5। अब इस भिन्न को अगर आप पूर्णांक में बदलना चाहते हैं, अगर ऑप्शन में ये है तो इसी को आंसर दे दीजिए, और अगर पूर्णांक के रूप में है तो पूर्णांक में बदलना आपको सिखा चुके हैं, 2, 5, 5 का लघुत्तम ले लीजिए वो आपको 10 हो जाएगा, 10 से सब में गुना कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी 10 से गुना कर लीजिए, तो ये 2×5 10 ये 15 आ जाएगा आपका, ये 5×10 8 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, तो 15:8:12 यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, तो 25 भी जो है बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सबको मिटाते हैं फिर देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, इसमें दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b और फिर बराबर में है आपका 7c, ठीक है, तो इसमें पूछा कि a:b:c क्या होगा, a:b:c क्या होगा, तो इसमें 2 नीचे चल जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, या इसको आप बराबर के मान के भी बना सकते हैं, तो 2 नीचे जाएगा, जैसे a बराबर लिखिएगा इधर k मान के तो ये k/2 आ जाएगा, ठीक है, ये k/3 और ये k/7 और फिर k के सब कैंसिल हो जाएगा, तो वही तरीका है 1/2, सिर्फ इसमें हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 1/7 हो गया। अब जो है इसको पूर्णांक संख्या में बदलना है तो 2, 3, 7 का लघुत्तम ले लीजिए, 2, 3, 7 का लघुत्तम हो जाएगा 42, इसमें भी 42 से गुना कर लीजिए, इसमें भी 42 से और इसमें भी 42 से, तो ये 2 से हो जाएगा 21 और 14 × 42 और 6×42, तो 21:14:6। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, तो 26 नंबर जो है आपका दिया हुआ है 2a बराबर 3b और फिर बराबर में है 4c और बराबर 6d, इसमें आपको पूछ रहा है कि a:b:c:d का मान क्या होगा, ठीक है, तो इसी तरह से कर लीजिए, ये आपको 1/2। अच्छा, इसका एक तरीका और होता है, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं और दोनों क्वेश्चन में तरीका लग जाएगा 25 और 26 दोनों में। देखिए पहले आपको ऐसे बताते हैं 1/2, फिर आपका 1/3, 1/4 और ये आपका 1/6, तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो 6 है तो 6×12 हो जाएगा लघुत्तम, तो इसमें भी 12 से गुना कर लीजिए, जगह नीचे करते हैं 12, फिर इसमें भी 12 से गुना कर लीजिए, सब लघुत्तम से सब में गुना कर लेंगे, फिर ये भी जो 1/6 है इसमें भी आपका गुना 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जो है 2×12 है ना, 3×12, 6×12, 6×12 यही आपका उत्तर हो जाएगा 6×4=2, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। दूसरा जो इसका तरीका है मेथड 2, और ये वाला तरीका इसमें भी लग सकता है, जैसे आपको दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b और बराबर है 4c और बराबर है 6b, ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा तरीका आपका यही हो सकता है कि जैसे आप निकालेंगे a:b:c:d, तो जब हम a को लेंगे तो ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी तीनों गुना कर लीजिए, 3×12 या 12×72, ठीक है,
फिर बी वाला लेंगे तो बी को जो छोड़ दीजिए, बाकी तीनों को गुना कर लीजिए, 6 6 24 24 2 48। फिर सी वाला लेंगे, ठीक है, तो सी वाला छोड़ लीजिए, बाकी सबको गुना कर लीजिए, 6 2 12 36 है ना। फिर डी लेंगे तो डी वाला को छोड़ दीजिए, ये चलती है 12 2 24 हो गया। अब देखिए इसको जो है 12 से सब कट जाएगा, 12 6 72, 12 6 48, 12 3 36, 12 2 24, तो इस तरीका से हो गया। इस तरीका से चाहेंगे तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, 25 नंबर जो था आपका कि 2a = 3b = 7c, यही था, तो इस मेथड से आप उसको भी बना सकते हैं। तो a:b:c जब कीजिएगा तो a को जब लीजिएगा तो a को छोड़ दीजिए, 3 × 7 21 हो जाएगा, b को जब लीजिएगा b को छोड़ दीजिए ये हो जाएगा 7 × 14, और c को छोड़ दीजिए ये हो जाएगा 3 × 6, तो 21:14:6 देखिए यही आया था। तो इस दोनों तरीका से इस तरह क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड बता रहे हैं आपको यूनिवर्सल है, हर क्वेश्चन में लग जाएगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो हम लोग 26 तक कर चुके हैं, आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं, ट्वेंटी सेवन में आपका दिया हुआ है कि a:b = इतना, ये 27 नंबर जो है आपका इसमें है कि a:b = 3:5, और फिर दिया हुआ है b:c = 7:4 है। तो पूछा है कि a:c क्या होगा, तो a c का रेशियो पूछा है। तो इस तरह का आप फॉर्मेट आपको बताए थे कि जब भी ए सी का पूछे सबको गुना कर लेते हैं, जैसे ही हो जाएगा a/b है ना गुना b/c, इसको भी गुना कर लीजिए, 3/5 हो गया और ये 7/4 हो गया। तो यहाँ से जो है b और b कट जाएगा, तो a:c = हो जाएगा 21:20, कुछ कटता नहीं है तो सीधा गुना कर दीजिए, तो हो गया 21:20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 था। 28 में देखिए, ये भी आपको फॉर्मेट बताए थे 28 नंबर का, तो जो भी फॉर्मेट आपको पिछला एपिसोड में बताए थे सब यूज हो रहा है। जो लड़के सीधे इसको देख रहे हैं वो आप उनको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पिछला वीडियो भी जरूर देखें, रेशियो का जो पार्ट 1 है, b:c आपको 3:2 दिया हुआ है, तो पूछा है कि a:b:c क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बताए थे कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको संतुलित करने के लिए सिखाएंगे। देखिए जब इसमें हम निकालते हैं a:b:c, ठीक है, तो देखिए एक तरीका ये सिंपल हो गया कि यहाँ पर b है यहाँ पर भी b है, यही दोनों को सिर्फ देखिए। तो यहाँ पर b जो है आपका 7 यूनिट है, यहाँ पर जो b है आपका 3 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर b जो है आपका 7 यूनिट है, यहाँ पर b 3 यूनिट है। तो हम किसी तरह से उस b को बराबर करने का प्रयास करते हैं, और या तो दोनों का कुछ एलसीएम है उसके बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या फिर इसको सीधा जो है यहाँ 7 है और यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है। तो ये 7 और 3 है तो इसमें कुछ कॉमन उमन है नहीं, ऐसे भी एलसीएम लीजिएगा 7 3 का 21 हो जाएगा, है ना। तो दोनों को 21 बना देंगे, तो 21 कैसे बनाइएगा, इसमें 3 से गुना कर लीजिए और इसमें 7 से गुना कर लीजिए, काम हो गया। अब देखिए ये हो गया 3 × 5 = 15, और ये हो गया 27 और ये भी 27 पहले से लिखा हुआ है, और ये हो गया 2 7 14, ठीक है। तो जो कॉमन टर्म होता है, जैसे इसमें कॉमन टर्म कौन था, बी था, ठीक है, तो कॉमन टर्म को हम बराबर करके अब फिर सबको लगातार लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो है आपको कल बताए थे कि ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं a:b:c, तो ये पहला रेशियो है, तो पहला रेशियो जो है इसका पहला पद a है और a का मान 5 है, ठीक है, तो इस 5 को एक ही बार लिखेंगे और साथ साथ अब दूसरा रेशियो जो लेंगे उसका जो पहला टर्म होगा वो 2 बार लिखाएगा,
जैसे यहाँ पर बी है, बी आपका तीन यूनिट है, यहाँ भी तीन लिखिए, फिर यहाँ भी तीन लिखिए और एगो दो बचा है। अब अगर इसी में आपको सी इज टू डी दिया रहता तो सी का जो मान होता उसको हम तीन बार लिखते, चूंकि वो तीन नंबर का अनुपात है, ठीक है। तो यही इसका टेक्निक है। और देखिए इसको गुना कीजिए तुरंत आ जाएगा, पचतिया पंद्रह और सतिया इक्कीस और सदगुना चौदह, तो ये बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो कुछ लोग इसको इस तरीका से भी बनाते हैं, ये मेथड टू है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। ये तीन अनुपात, चार अनुपात, पांच अनुपात सब में ये लागू हो जाएगा और इसी तरह से बना लेंगे इसको। आप इस तरीके से भी कुछ लोग बनाते हैं कि ए इज टू बी इज टू सी दिया हुआ है, तो ए इज टू बी का मान जो है आपका पांच अनुपात सात है और बी इज टू सी का मान जो है तीन अनुपात दो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पांच को तीन से गुना कर लेते हैं, पांच किया पंद्रह, आई बीच वाला जो है सीधा गुना कर लेते हैं, तो इस सत्या है कि आप फिर टेपर हो जाते हैं, तो इस गुना चौदह, देखिए पंद्रह इक्कीस चौदह ये आ गया। तो ये तीनों तरीका से आप इसको बना सकते हैं। आप पूछिएगा कि बनाना कैसे है, तो जब दो को दिया रहे ना तो हम यही प्रिफर करते हैं कि दोनों टर्म को बराबर कर लीजिए, बहुत आसान तरीका। उसको दोनों टर्म को जैसे ही बराबर कीजिएगा ए इज टू बी इज टू सी निकल के तैयार हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया हुआ है कि ए की आय का आधा, ए की आय का आधा, ए की आय का आधा बी की आय के एक बटा तीन के बराबर है। तो यहां से ए इज टू बी बन गया, ए इज टू बी कितना बन गया, ए टू इधर चल जाएगा, टू इज टू थ्री बन गया। आगे क्या बोलता है, बी की आय का दो बटा तीन, ठीक है, बी की आय का दो बटा तीन सी की आय के तीन बटा पांच के बराबर है, सी की आय के तीन बटा पांच के बराबर है। तो यहां से बी अनुपात सी, सी इधर आ जाएगा, आई तीन दिया नौ, आई पांच गुना दस, तो ये बन के तैयार हो गया। इसमें फिर पूछता है कि ए बी सी में क्या अनुपात है, तो अब तीनों का लगातार पूछ दिया कि ए इज टू बी इज टू सी कितना के बराबर होगा। तो अभी आपको बताए थे कि जो कॉमन टर्म है आप उसी को किसी तरह से बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मान है तीन यूनिट, यहाँ पर बी का मान है नौ, तो इसको अगर हम नौ बना ले तो काम हो जाएगा, इसमें कुछ से गुना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको तीन से कर लीजिए। अब देखिए तीन दुना छह और तीन दिया नौ, बी आपका नौ हो गया, बी यहाँ तो नौ है ही, इस दस को चुपचाप लिख दीजिए, तो छो अनुपात नौ अनुपात दस बन के तैयार हो गया। तो अगर आप पिछले तरीका से बनाना चाहते हैं तो उसमें दो और तरीका बताए हैं, उसे भी बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर में है दो अनुपात तीन, और इसके बाद है कि बी अनुपात सी बराबर में दिया हुआ है आपको फोर इज टू फाइव, और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है सात अनुपात दो। तो इसमें आपको पूछा है कि ए इज टू डी इज इक्वल टू हार्ट, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, सिर्फ गुना कर देना है, ये आपका हो गया ए बटे बी और गुना बी बटे सी, इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, सब बाद वाला गुना कर दीजिएगा, जो आएगा ए टू डी ही होगा। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि वास्तव में ए टू डी आ रहा है इसी बटा डी, तो इधर भी आप गुना कर लीजिए दो बटा तीन, चार बटा पांच और सात बटे दो। अब यहां से आपको सी और सी कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, तो ए अनुपात डी बराबर, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा दो और दो कैंसिल कर लीजिए, तो अट्ठाईस और अनुपात पंद्रह, ठीक है, 28:15 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 31। 31 क्या है, 31 में कहता है कि ए इज टू बी बराबर थ्री इज टू टू,
ए इज टू बी बराबर 3:2, बी इज टू सी बराबर में दिया हुआ है 4:7 और इसके बाद सी इज टू डी बराबर में दिया हुआ है 2:1। तो पूछा आपसे, अब चारों का पूछ दिया है कि ए बी सी डी कितना बराबर होगा, तो ऐसा जब पूछे तो वाला जो मेथड बताए थे वैसे ही बनाइए, क्योंकि इसमें इसको मिलाइएगा फिर इसको बैलेंस कीजिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने वाला दो ही को तक ठीक है ना। ऐसे अगर चाहे कि नहीं हमको बैलेंस ही करना है तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है, बन जाता है बैलेंस करके भी ये बन जाता है। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो ये पहला रेशियो है। तो बोलिए ए को कितना बार लिखेंगे, एक बार, तो एक बार तीन लिख दीजिए, ये आपका दो हो गया, दो हो गया, दो हो गया। अब बी इज टू सी लीजिए, तो ये चूंकि दूसरे नंबर का अनुपात है तो बी का जो मान है उसको दो बार लिखेंगे, 4:4 और ये आपका हो गया 7:7। ठीक है, अब आगे लेंगे इसको, तीसरे नंबर का है तीन बार लिखाएगा, 2:2 और ये 1। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ अनुपात नहीं भी लगा सकते, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह रेशियो रेशियो लगाना। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो ये जाएगा चरतिया 12, 12 × 24 और 4 × 8 और 16, 7 × 14 × 28 और 7 × 14। अगर कोई एक से कट रहा है तो कटा दीजिए, तो दो से कट रहा है सब, तो ये जाएगा 12, 2 × 16, 2 × 14 और 7। अब तो 7 आ गया, तो कटेगा नहीं, 12, 8, 14, 7 ये आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा, अगर इसी को आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन को ए इज टू बी इज टू, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ लोग का अभ्यास ऐसे भी रहता है, तो इसमें जो है 3:2 और उसके बाद बी इज टू सी आपका है 4:7 और सी इज टू टू जो है 2:1। तो सबको सबके सामने लिख दिए, कुछ नहीं करना है, ऐसे चलिए, चलती है 12 × 24 है ना, अब ऐसे थोड़ा उतर जाएगी, 4 × 8 × 16 अब थोड़ा ऐसे उतर जाएगी है ना, तो 7 × 14 = 42 अब फिर जो है ऐसे तिरछा, 14 × 28 तीन नहीं 28 होगा और फिर तिरछा, तो ये आपका 14 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बच्चों से और इसमें गलती कम होता है, तो इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से फिर ये आपका हो जाएगा 12, 8 और 14 और 7। अब कुछ लोग कहेंगे कि जरा बैलेंस करके दिखाइए, बैलेंस करके बनता है क्या, तो बन जाएगा, पहले इस दोनों को मैच करा लीजिए। ठीक है, मेथड 3 देखिए, बैलेंस करके कैसे बनेगा, पहले ए इज टू बी इज टू सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी का यहाँ पर मान है 2 यूनिट, यहाँ बी का मान है 4 यूनिट, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 3 × 6 और 2 × 4 और 4 तो यहाँ मिल गया 7। देखिए ए इज टू बी इज टू सी बन गया, अब इसको मिला देंगे इससे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सी का मान है 7 और यहाँ सी का मान है 2। ठीक है, कोई उपाय नहीं है, इसको 7 से इसको 2 गुना कीजिए, अब हो गया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, तो 2 से इसको गुना कर लीजिए, तो ये जाएगा 6 × 12, 4 × 8, 7 × 14 और 7 से कीजिएगा 7 × 14, यही सी जो है मिला 14 × 14 = 7। तो देखिए इस तरह से भी बन गया, बैलेंस करके भी बन गया। तो बैलेंस करने में इसमें पहले ए इज टू बी इज टू सी निकालते हैं, फिर उसको कंबाइन कर देते हैं सी इज टू डी के साथ। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और इसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ सेशन को आज समाप्त करते हैं, जय हिंद।